लोग बोलते हैं उसको डालखाई भगवान बोल के। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं भवानी। आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आई एम ट्रैवलर पर। मैं आज आया हूं एक बहुत ही बढ़िया जगह जहां पे हम लोग बचपन पे ज़्यादा आते थे, अभी तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि यहां का जो आते थे जिसके लिए वो अब इतना अच्छा नहीं रहा। तो आज हम आए हैं खैरपुट के पास, जो है आमाकुंड बोल के उस जगह पर आए। चलिए चलते हैं आगे, जाके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक स्कूटी खड़ी है, यहाँ से लेके हमको पैदल जाना है, हमको थोड़ा सा ऊपर है, पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं होगा। हाथ में है हेलमेट और पीछे है बैग। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जगह कैसा है, पूरा जंगल ही जंगल है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से मैंने तो अभी आया, आप लोग देख ही सकते हैं। शायद ही आपको पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। आगे चल के देखते हैं कैसा है नज़ारा, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। यहाँ से स्टेप्स स्टार्ट हो जाता है, आप देख ही सकते होंगे यहाँ पे कुछ ऐसा है नज़ारा। यहाँ एक बड़ा सा पत्थर है जो कि पानी जाता है बारिश के मौसम में। थोड़ा ठीक से बनाया होता तो ये वाला जगह अच्छा होता, क्या करें हमारे यहाँ के लोग की सपोर्ट नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। आप देख लो एक बार, ठीक है चलते हैं और जाके नीचे से देखते हैं कि कैसा है जगह भाई। एक हाथ में DSLR को हैंडल करना इतना इजी नहीं है भाई, बहुत ही मुश्किल, बहुत भारी हो रहा है। नई जगह पर हम पहुंच गए हैं भाई, आप लोग देख सकते हैं हाथ थोड़ा दिखने लगा भाई। चलिए मैं पहले नीचे की ओर लेके चलता हूँ आप सभी को, फिर जाके ऊपर जाएंगे। इधर देख सकते हो कितना बड़ा पत्थर है भाई, पानी है। मैं जहाँ खड़ा हूँ से अगर नीचे गिर गया ना मैं, मेरा तो अलग छोड़ो, कुछ इस तरह का है व्यू।
हमारे जहाँ जिसके लिए मैंने आज एक वीडियो बना रहा हूँ उस जगह पर पहुँच गए हैं। इसका नाम है अमाकुंड बोल के है, खैरपुर के पास ही है ये, खैरपुर से ज़्यादा नहीं पर 5-6 किलोमीटर होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये पत्थर वत्थर और ये पानी सब कैसे आ रहा है और कैसा दिख रहा है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। और अभी मैंने सुना है कि ये माइनिंग के लिए ये सब किया जाएगा, लेकिन ऐसा होने से अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये एक अच्छा प्लेस है घूमने के लिए भाई, और इधर ऐसे ही मतलब घूमने नहीं आते। यहाँ पे पहले ना इस नीचे मैं दिखाऊंगा आगे जाके आपको, इसके नीचे बहुत ही बड़ा सा वाटर का टैंक जैसा था जहाँ पे ऊपर से पानी आ रहा था और नीचे जाके जगह पे स्टोर हो रहा था। वहाँ पे मछली वगैरह बहुत बड़ा बड़ा मछली रहते थे जिसको देखने के लिए ज़्यादातर लोग आते थे, और खाने के लिए बिस्कुट वगैरह देते थे उन मछलियों को। अभी वो मछली नहीं है क्योंकि एक साइक्लोन की वजह से थोड़ा रुको मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। और यह है हमारा अमाकुंड, आप देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा काम किया है। ये जो पीछे की ओर देख रहे हैं ये है उसका मेन मुद्दा, मैं देख रहे हो भाई, ये है अमाकुंड जिसके लिए आज हम आए हैं इधर। ये जो पानी आ रहा है ऊपर से, ये जो बड़ा वाला पत्थर था, ये जो बड़ा वाला पत्थर था, ये पत्थर पहले साइज हो के था जो कि अब साइक्लोन की वजह से बहुत पानी आने की वजह से यहाँ नीचे गिर गया है। और यहाँ पे एक ये जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये दब गया है, पहले ये बहुत ही बड़ा मतलब पानी का स्टोर हुआ करता था जहाँ पे मछली वगैरह रहते थे। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मतलब कैसा है नज़ारा, और मैं थोड़ा बैकग्राउंड में फोकस देने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी है, चारों तरफ पानी और पत्थर। हाँ तो मैं ऊपर चढ़ के जाने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि सारे पत्थर गिर चुके हैं यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और पत्थर गिरने की वजह से सभी रास्ते बंद हो गए हैं तो इसलिए और ऊपर जा नहीं सकता मैं। मैं एक बहुत ही बढ़िया जगह पर खड़ा हूँ, देख सकते हो ये पत्थर, ये है मेरा हेलमेट, और मैं इधर से नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ और बैग हेलमेट कैमरा सब थोड़ा भारी वजन है भाई। तो मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे आप कभी आइए और देखिए कि इस खैरपुर के पास जो अमाकुंड है यहाँ पे कैसा नज़ारा है, और आप सभी को शायद अच्छा लगे क्योंकि पहले से सभी को ही अच्छा लगता था और आज भी वही थोड़ा सा चेंज हो गया है लोकेशन का, ये जो नज़ारा सब क्या बोलूँ मैं, और बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं है मेरे पास, बहुत दिनों के बाद आया।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरे इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, और फेसबुक पेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जल्दी जल्दी जाके फॉलो कीजिए और मिलते हैं।